हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। सो आज हम इस स्टूडियो के अंदर बात करने वाले कॉपर के 21 अगस्त फ्यूचर्स यहाँ पर करेंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, एज वेल एज कल हमको जिस तरह से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था यहाँ पर। तो शॉर्ट पोजीशन के अंदर हमारा जो टारगेट था S1 तक यहाँ पर आपको आराम से क्लियर कंप्लीट होते हुए जरूर देखने को मिला। उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी, बाउंस बैक और फिर से सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला था किसके ऊपर, दैट इज S1 के ऊपर, और एक अच्छा सा यहाँ पर आपको अप ट्रेंड देखने को मिला MACD के सिग्नल के साथ। सो अगर आप मल्टीपल ट्रेड भी एसोसिएट करते हो, दैट इज विद द इंडिकेशन ऑफ MACD एज वेल एज RSI की स्ट्रेंथ के साथ, तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो ट्रेड है, दैट इज वन टाइम यहाँ पर आपका यहाँ पर क्लियरली कंप्लीट हो गया। यहाँ पर उसके बाद हमें जैसे ही रिकवरी का बाय का यहाँ पर सिग्नल दिया, तो उसके बाद हमने यहाँ पर बाय किया और देख सकते हो कि अपसाइड का जो टारगेट है पी तक, दैट इज प्राइवेट तक, वो भी यहाँ पर अचीव हो गया है। बट हम बात कर लेते हैं अभी, दैट इज करंटली आपको इंट्राडे के अंदर अभी किस तरह का यहाँ पर आप पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। जस्ट एज ऑन द फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा कुछ मोमेंटम जो है यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं देखने को नहीं मिला है, बट फिर भी एक अच्छा सा लेवल, दैट इज R2 का हम यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस रखेंगे, जो हमें यहाँ पर बताता है कि अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो नियरली आप देख सकते हो कि अपसाइड डायरेक्शन के अंदर नियरली यहाँ पर आपको 734 का जो एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज एट द प्राइस ऑफ अराउंड 734.5 तक का भी आप उसको मान सकते हो, जस्ट बिकॉज एक तो एक राउंड ऑफ फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो सपोर्ट होगा वो नियरली आपको यहाँ पर, दैट इज एट द प्राइस ऑफ अराउंड 726 का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। सो लॉन्ग पोजीशन जो है आज के लिए वो ज़्यादा मेरे हिसाब से ईजी और कन्वीनियंट रहेगी, जस्ट बिकॉज एज ऑफ द फैक्ट कि आपको जो करंटली अभी जो हमें यहाँ पर फैक्ट देखने को मिला, जिस ओपनिंग के बाद हमें MACD का जो सिग्नल देखने को मिला है, वो कभी कभी कंफ्यूजिंग जरूर होता है, बट फिर भी उसके साथ में आप देख सकते हो कि RSI के अंदर भी अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। बट हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कब करना है, जब एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ यहाँ पर एक अच्छा सा वॉल्यूम का एक सेक्शन बने, और उसके बाद हमें अगर एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, दैट इज 734.8 का अपसाइड डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर आप 3.4 पॉइंट या फिर R3 तक जो है अपना जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए ज़्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।